किराया कम करने से नहीं बनता, जो हुकूमत ने इतने टैक्स लगा दिए हैं, टिकटॉक हुकूमत ने आप बनाए, जगह जगह जाते हैं तस्वीरें खींचते हैं। पाकिस्तान में जो चीज बढ़ती है जो कम नहीं होती, जब तक हमारे में बस ध्यानती है मुसलमान कामयाब नहीं हो सकता कोई। अफगानिस्तान देख लो हमारे तरक्की कर गए, क्यों किए पहले ईमान लोग हैं वो, हमारे पास ध्यान दी हुक्मरान नहीं, आवाम ही सारी बात ध्यान है अपना जरा नोट भी सीधा किया है, एक पास एक घर ने उस पास घर करते नहीं है, वो तो रैकेट है कि दो हैं आपको पता नहीं है। मोटरसाइकिल ਇੰਪੋਰਟਡ ਕੋ ਮਤਾ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਨਹੀਂ ਆ, ਹੁਣ 50 ਵਧੇ ਨੇ ਤੇ ਬਸ 5 ਘਟਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵਾਅਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਮਜ਼ਾ ਦੇ ਦੱਸਦੇ ਨਾ ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲੇ ਯਾਰ, ਆਖਾ ਦੁਬਾਰਾ ਪੁਰਾਣੇ ਢੇਡਾਂ ਤੇ ਆ ਜਿਵੇਂ। कोई भी हुकूमत अगर मेहनत से काम करे, ईमानदारी से काम करे तो काबू पा सकती है। इनका कहना है कि अगर हमें मुकम्मल तौर पर देश का काम किया गया तो आप भी आजाद कश्मीर की आवाम की तरह सड़कों पर निकलेंगे और दमादम मस्त कलंदर करेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, आपका मेज़बान आसिफ चीमा एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उनसे गुजारिश है कि वो अभी कर लें, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिएगा, अगर कोई कमी पेशी हो तो हमारी सलाह के लिए कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। जैसा कि नाज़रीन पाकिस्तान के सियासी मैदान में बहुत ज़्यादा गर्मी है, इसी तरह आज पंजाब के अंदर भी गर्म तरीन दिन जो है साबित हुआ है, तो अभी चूँकि थोड़ा सा मौसम सूरज ने आंखें दिखानी कम की हैं तो मौसम थोड़ा सा चेंज हुआ है, तो लोग भी जो है वो सड़कों पर निकल आए हैं। जैसा कि रात को हुकूमत पाकिस्तान ने जो है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान किया है, जिसके मुताबिक पेट्रोल की कीमत जो है वो तकरीबन 15 रुपये कम की गई है और डीजल की कीमत 7 रुपये, तो इसके ऊपर महंगाई के सताए हुए और बेरोज़गार जो पाकिस्तानी हैं वो खुश हैं या उनका कोई इसके ऊपर कोई मज़ीद मतालबा है, तो इसके बारे में हम मुख्तलिफ जो मकतबा है फिक्र हैं उन लोगों से गुफ्तगू करेंगे। तो सबसे पहले अभी मेरे साथ एक रिक्शा वाला मौजूद है, उनसे पूछेंगे कि पेट्रोल की कीमत कम हुई है तो क्या आप किरायों में भी कमी करेंगे या नहीं। अस्सलाम वालेकुम भाई जान। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भाई? ठीक हैं भाई जान, बात सुने ना। मैं नहीं, चलो, पेट्रोल की कीमत में कमी हुई है तो क्या दूसरी चीजें भी सस्ती होंगी या नहीं? नहीं। क्या बताएगा यार? आप क्या काम करते हो? हम ये बकरे का काम। ये बकरे भी सस्ते हुए हैं या नहीं हुए? नहीं, ये तो महंगा हो गया यार, और महंगे हो गए हैं पेट्रोल कम होने के बावजूद। हाँ, फिर भी महंगा हो गया, फिर भी महंगे हैं जी भाई जान। पेट्रोल की कीमत में रात को 15 रुपए कमी हुई है तो क्या आपके रक्षों का किराए भी कम होंगे या नहीं होंगे? अब नहीं देखे ना, जैसे 120 रुपए लीटर तेल था या 150 रुपए लीटर था तब भी वही किराया था, ठीक है। अब भी वही किराया जब 300 रुपए रेट था, अभी भी 20 रुपए सवारी है, फर्क तो यही है 10 रुपए तो हो नहीं सकता अब। सही है, यानी कि कम नहीं होगा अभी 20 रुपए, ये 20 से कम क्या होगा? कमी होगी तो आपका माशाल्लाह सादा सा होटल है, तो यहाँ पे एक आदमी जो एक वक्त का खाना कितने पैसों में खा लेता है? पेट भर के खा लेते हैं, ठीक है। तो जी एक इन्होंने जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि स्टॉल लगाया हुआ है खाने का, दाल दाल रोटी वगैरह सब्जी वगैरह, तो इनका कहना है कि महंगाई में कमी होगी। अस्सलाम वालेकुम भाई जान, रात महंगाई में कमी आएगी कि नहीं? नहीं, कोई नहीं आएगी। वजह क्या है? वजह है कि बस लोग जो चीज का रेट बता लेंगे वो फिर घट नहीं करते है, हुकूमत कंट्रोल करे तो कर सकती है जो भी जाए, यानी कि महंगाई कम करने के लिए माफिया को लगाम डालनी पड़ेगी। हाँ बिल्कुल, जो अफसर ने बाहर निकलना पवेगा फिर ही कम होएगा। अफसर अगर एयर कंडीशन बैठे रहेंगे या अपने दफ्तर बैठे रहेंगे फिर नहीं कम होएगा। अभी तक तो कोई नहीं, अभी तक तो फिलहाल कोई चांस है कम कीमतें होने का?
सर सिल्वर का जो है आइटम है सिल्वर का उसका रेट अभी बढ़ा हुआ है। ठीक है, तो वैसे जो लोकल आइटम उसका रेट कम हुआ है। टायर ट्यूब वगैरह कम हुए हैं, पहले ज्यादा रेट था अब कम है। कम हुए हैं क्योंकि स्पेयर पार्ट्स के जो दुकान चला रहे हैं उनका कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों से पहले ही जो है ना हमारे पार्ट्स की कीमतों में कमी आई है, तो उम्मीद है कि मजीद कमी जो है ना वो होगी। सर पता क्या बात है, महंगाई के ऊपर कमी कुछ भी नहीं होगा। इन्होंने जैसे एक लॉलीपॉप दिया वो आपको, ठीक है, अपने जो सतह है वो मजबूत करने के लिए 15 से 20 दिन के बाद ऑटोमेटिकली इन्होंने क्या करना, 15 रुपए कम किया ये ज्यादा कर देंगे। ठीक है, और जिसे ये चोर चोर का नारा लगाते थे उसके ऊपर केस स्ट्रक्चर के बने कितने हैं, कोई भी नहीं बना, उसका कोई केस निकला। विनोद का जो है वो दुबई में जो फ्लैट वगैरह सब कुछ इनके केस वगैरह वो निकल गए हैं। ठीक है, उसका तो कुछ भी नहीं निकला। ठीक है ना, अब जो हमारी आर्मी है आर्मी को भी थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए कि इनके खिलाफ कुछ करें, लेकिन इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि कुछ ना कुछ होगा। जब तक ये जिंदा है तब तो कुछ भी नहीं होगा, पाकिस्तान का कुछ भी नहीं होगा। इमरान खान के ऊपर उम्मीद है कि वो इमरान खान बाहर आएगा और कुछ करेगा वो। ठीक है, ये तो चोरों की हुकूमत है, ये सभी कटपुतली मिले हुए हैं। ठीक है, और लंदन के दौरे पर दौरा कर रहे हैं आर्मी चीफ साहब भी। ठीक है ना सर, तो इंशाल्लाह उम्मीद ही है कि अल्लाह कुछ बेहतर करेगा, लेकिन लगता नहीं है जो हालात चाहते हैं। सर शुक्रिया। तो जी जैसा ही कि शहरी ने कहना है कि पेट्रोल की कीमत से जो है ना वो महंगाई में कमी नहीं आएगी, बल्कि इमरान हाँ इकतदार में आएगा तो महंगाई में कमी आएगी। तो हर बंदे की अपनी राय है, हमें हर एक की राय का एहतराम करना है। आनी तो चाहिए, सुलन तो बनता है, आनी चाहिए, मगर ये हाँ ये चीजें जो है महंगाई कर रहे हैं। असल में ना नीचे आनी नहीं, पेट्रोलियम मसनूआत पे जो जब बढ़ती है तो बहुत ज्यादा ऊपर ले जाते हैं चीजें। अब कम हुई है तो अभी तक कोई समझ नहीं आ रही किसी किस्म। आप क्या कारोबार करते हैं? मेरा गारमेंट्स की भी शॉप है और साथ यूज ऑयल का काम है मेरा। तो गारमेंट्स की कीमतों में कमी आएगी? नहीं, मुश्किल बिल्कुल नहीं आएगी। नहीं आएगी। वजह ये है कि जो पीछे माफिया बड़ा बैठा हुआ है वो कीमतों कैसे कम कर सकता है, उनके पास स्टॉक है। जब बढ़ता है पेट्रोल तो फिर स्टॉक वो ना रोक देते हैं, फिर उसके मुताबिक वो ना आगे ले जाते हैं कि हमारा बढ़ना है। अब नीचे आई है कीमतें, वो उन्होंने स्टॉक कर लिया माल, उन्होंने कहा नहीं कोई बात नहीं ये रेट लगना है। जो बंदा उनको कॉल करता है वो कहते हैं भेजो ये रेट, वो मजबूर है कस्टमर, वो कहता चलो भेज दो भाई कोई मसला नहीं हम अपना काम कर लेंगे। जी अभी मैं मेरे सामने जो है मैं जा रहा हूँ सिर्फ ही के यहाँ पे एक ट्रांसपोर्ट करता है, तो वहाँ ड्राइवर हजरात से पूछते हैं क्या आप अब किराया भी कम करेंगे या नहीं करेंगे? नहीं, किराया कम करने से नहीं बनता, जो हुकूमत ने इतने टैक्स लगा दिए हैं, देखे जगह जगह पर्ची, जगह जगह टोल प्लाजे, दो दो तीन तीन टोल प्लाजे लगते हैं, वो कहाँ से हम पूरा करेंगे? मेरा पेट्रोल पे इतना ना रहे, हुकूमत को कहना जरा थोड़े टैक्सेस पे हाथों कर हाथ कम रखे, और टिकटॉक हुकूमत ना बनाए। जगह जगह जाते हैं तस्वीरें खींचते हैं और कहते हैं जी हमने ये काम करवा दिया, कल वो काम उसी जगह पे दोबारा हो जाते हैं। जी हमारा जो रिक्शा LPG पे पहले 300 रुपए था, 240 रुपए, जाहरी बात है हमें कम करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए, कर लिए ना हर तो कहा यार कोई भी नहीं करता। जहाँ 200 किराया हम 150 मांगते हैं 150 ले लेते हैं। ठीक है, अब जो नहीं करता वो जुल्म करते हैं। इनका कहना कि मेरा रिक्शा तो पेट्रोल पे नहीं चलता LPG पे चलता है, उसकी कीमत पहले ही कम थी, तो मैंने तो कीमत जो लोगों से किराया मकूल लेता हूँ, मगर जो लोग ज्यादा किराया लेते हैं मेरे ख्याल में वो ज्यादती करते हैं। ये जैसा कि आप देख रहे हैं ये चांद गाड़ियां चलाते हैं नौजवान है, इनसे पूछते थे आज के पेट्रोल भाई जो है ना उसकी कीमत कम हो गई है जी, क्या भाव आप सवारी से किराया भी कम लेंगे या नहीं? किराया हम कम तो ले रहे हैं, लेकिन सवारी फिर भी कह रही है कि और कम करें। अच्छा, अगर 20 रुपए दे रही है तो फिर भी रोक दे रही है कि 20 रुपए यहाँ तक आए हैं 20 रुपए दे रहे हैं, अगर 30 मांगते हैं तो फिर भी कहते हैं 20 ही देने हमने। तो ये जो पेट्रोल है महंगाई में कमी आएगी कि नहीं आएगी? इंशाल्लाह आएगी। यहाँ पे मिला जुला रुझान है लोगों का, कुछ कह रहे हैं नहीं कमी आएगी, कुछ कह रहे हैं कमी आएगी। पाकिस्तान में जो चीज बढ़ती जो कम नहीं होती, इसकी क्या वजह? महंगाई नहीं होती, पहले नंबर से ये जो हमारी बात जानती है ना ये नहीं खत्म होती, जब तक हमारे में बस जानती है मुसलमान कामयाब नहीं हो सकता कोई भी कहीं भी। अफगानिस्तान देख लो हम आज तक कर गए, क्यों की है? अहले ईमान लोग हैं, वो ईमानदार की हुकूमत आई है, अहले ईमान लोग हैं, ईमानदार की हुकूमत आई है, लोग कहते वो हुकूमत चलेगी, ऐसे में पाकिस्तान से आगे जा रही है हुकूमत सिर्फ नेगनीति से। यानी आपके कहने का मतलब है कि हमारे हुक्मरान बद दयानत हैं? हमारे पास ध्यान दी हुक्मरान नहीं, आवाम ही सारी बात जानता है, इंशाल्लाह जरूर आएगी। हर पासे कमी आ रही है, गंदम सस्ती हो गई है, ठीक है, पेट्रोल सस्ता हो रहा है, डीजल सस्ता हो रहा है, हुकूमत काम कर रही है,
और गन्ने वाले तो बेचारे रो रहे हैं, वो तो किसान इंतजार कर रहे हैं। जिस टाइम 2200 तो 5600 की हुई सी, उस दिन किसानों ने क्यों नहीं सी अपना रोए, उस दिन उन्होंने क्यों नहीं सब धरने दिते, उस दिन उन्होंने माल आया सी, अज अगर माल हुकूमत ने वापस लिया गरीबा का सोचा तो अज क्यों रो रहे हैं। आपने आटा कितने का किलो खरीदा अभी? अभी आटा 90 रुपए का किलो हो गया, पहले 150 रुपए किलो था, 80-85 रुपए किलो है, 90 रुपए किलो है, पहले 150 रुपए किलो था। हम तो बोलेंगे हुकूमत काम कर रही है और दुरुस्त कर रही है। इनका कहना है कि 90 रुपए का किलो मैंने आटा खरीदा है, मगर अभी तक मुझे तो कहीं से 90 रुपए का किलो आटा नहीं मिला। आज मेरी जो गुफ्तगू ज्यादातर जो है हो रही है वो मजदूर तबके से हो रही है जो महंगाई से सबसे ज्यादा मुतासर है। ये शराफिया नहीं है, ये पाकिस्तान के आम शहरी है। कोई भी नहीं कर दे है, वो अपना जेड़ा ना उल्लू सीधा किया है, वो एक पास एक ढाने दूसरे पास उड़ा छड़ देने आपको पता ही नहीं है, एक ढाने दूसरे पास यूनिट महंगा कर छड़ देने। जेड़ा पेट्रोल घटाया दा कोई फायदा नहीं है, भाएं दूध बच्चे बिलक देने पे दूध दी वजह तो 20 रुपए दूध बताता है कि फैल की है ते जुल्म हो रहा है गरीब आवाम दे नाल। ए भाई साडे बेचारे ए साडे भाई ने इन्हां दा साडा मसला बनया वीजा नहीं लगन रिया, जिथे अप्लाई करने आवांदे तुहाडा हाल ही बड़ा भैड़ा है, साडा वीजा रिजेक्ट कर ये यार नया इंकशाफ कर दिया। हां वो जुल्म हो रहा की करिए, मतलब के पढ़ ले के भाई बुड्ढे हो चले ने चिट्टे आ गए सिर ते। नौजवान आप देख ले कहते हैं कि वेल क्वालिफाइड है और ये मुल्क से बाहर जाने की जो है ना तगोदो कर रहे हैं, मगर जिस मुल्क में भी वीजा अप्लाई करते हैं तो वो इन्हें रिजेक्ट कर देते हैं। ये हमारे उनका भाई कहना है कि आपके मुल्क के हालात ऐसे हैं, आपने वहाँ पे आके जो है ना हमारे भी हालात खराब कर देते हैं। भाई ने ऑस्ट्रेलिया के लिए अप्लाई किया है स्टडी वीजा, तो सारा कुछ हो गया, इंटरव्यू तो कह रहे हैं की आप ये जो पैसे आपने हमें शो करवाए हैं, आपके मुल्क के हालात तो ऐसे है नहीं, तो दूसरे पैसे कहाँ से देंगे आप, इस कहाँ से देंगे, तो 7-8 लाख रुपए का नुकसान हो। नहीं आपको ये मेल आई है? हाँ जी इंटरव्यू मेल आई है कि आपके पास जो सारे ही जमा कराए थे इंटरव्यू जो लास्ट हुए ओदे विच उन्होंने कहा ही था कि ये तुम्हारे मुल्क के हालात को नहीं है जी। यहाँ पे एक बड़ा जबरदस्त इन्होंने इंकशाफ किया, उन्होंने कहा मैंने ऑस्ट्रेलिया एम्बेसी में अप्लाई किया था स्टडी वीजा, तो इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा आपके तो माली हालात ही ठीक नहीं है, तो आप ऑस्ट्रेलिया में जाकर जो है वो फीसें कैसे अदा करेंगे, लिहाजा आप बेहतर ये है कि पाकिस्तान में अपनी तालीम जो है ना वो जारी रखें। तो ये बहुत खतरनाक सिचुएशन है, अगर ये भाई की रिजेक्शन हुई है ऑस्ट्रेलिया मैसी की तरफ से, तो ये एक अहल और डिजर्व करता है कि ये जाके बैरून मुल्क में तालीम हासिल कर सके, इसके पास वसाइल भी हैं, मगर मुल्की हालात ने जो है ना इसका मुस्तकबिल जो है दांव पे लगा दिया। नहीं आएगी, नहीं आएगी, उसकी क्या वजह है? उसके जो सभी चोर बैठे हैं। अच्छा पहले भी चोर थे, अब नए चोर आ गए, ठीक है, सिर्फ लूटने के लिए। आजाद कश्मीर में इन्होंने 5 रुपए यूनिट 8 रुपए यूनिट कर देता है, ठीक है, ठीक है, तो सारा बोझ होने थे सीटों के। नहीं तो आप पहले कहते थे पेट्रोल की कीमत कम होगी तो महंगाई में कमी आएगी, अब 15 रुपए की है तो फिर भी आओ 15 रुपए की है ना, 15 दिन के बाद 60 रुपए और बढ़ेंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, ये देख लेना, यानी कि आपको हुक्मरानों पे एतमाद नहीं है, कोई इतमाद नहीं है, शहरी का कहना है कि ये हुकूमत का हुकूमत की ड्रामेबाजी है, आज कीमत 15 रुपए कम की है तो दिल करे 15 दिन के बाद जो है ना 60 रुपए फी लीटर कीमत बढ़ा रहे हैं। कमी आएगी, कैसे आएगी? 15 रुपए फी लीटर कम हुआ है, आपके स्पेयर पार्ट्स जो है वो कम हुए हैं, उनकी कीमतें ट्रांसपोर्ट की वजह से कमी आएगी। तो ट्रांसपोर्ट वालों से मेरी बात हुई है, वो कह रहे हैं कि खाली पेट्रोल नहीं, जो हमसे जगह लिया जाता है, हुकूमत वाले पर्चियां लेते हैं, टैक्सेस लगाते हैं, तो किराए तो वो कम नहीं कर रहे, ना रक्शे वाले कर रहे हैं, ना चांदगाड़ी वाले कर रहे हैं, जब उन्होंने कीमतें अगर नहीं कम करनी इसका मतलब कि आपके पार्ट्स भी नहीं कम होंगे कीमतें। अभी टाइम लगेगा ना, अच्छा टाइम लगेगा, इसलिए थोड़ा टाइम लगेगा, रेट कम हो जाएंगे। जनाब दीन जैसा कि आपको पता है कि नान भाइयों ने भी पीछे हुकूमत पंजाब की हदायत को रद्द करते हुए कह दिया था कि हम रोटी की कीमत में कमी नहीं करेंगे, चूंकि पेट्रोल जो है बहुत महंगा है, बिजली बड़ी महंगी है, अब चूंकि पेट्रोल और पेट्रोल की कीमत कम होगी तो पूछते हैं इनसे कि भाई आप ही रोटी की कीमत कम करेंगे या नहीं करेंगे, तो अब रोटी की कीमत कम होगी या नहीं होगी? जी रोटी की कीमत तब कम होगी जब हमें आटा सस्ता और गैस सस्ती मिलेगी। सही है, इसी तरह ग्लूकोज तेल शापर ये सब चीजें सस्ती होंगी तब रोटी हम सस्ती करेंगे। नहीं पेट्रोल की कीमत जो कम होने से कहते हैं कि सारी चीजें कीमतें कम हो जाती हैं,
तो आपको उम्मीद नहीं है कि चीजों का दूसरी चीजों का भी रेट कम होगा? नहीं, अभी तक तो कम नहीं हुआ, अगर हो जाएगी तो इंशाल्लाह हो जाएगी, रोटी भी सस्ती हो जाएगी। दिन महंगे हैं, ग्लूकोज महंगा है, सोडा महंगा है, गैस महंगी है, आनी चाहिए कमी क्यों नहीं आनी चाहिए? आप बताएं आएगी कि नहीं आएगी? फिलहाल ये तो हुकूमत पे डिपेंड करता ना, वो करते हैं अगर नहीं। हुकूमत ने तो कर दिया पेट्रोल सस्ता, वो क्या करना उन बेचारों ने? और ये जो सा हमारे माफिया वाले हैं, इनको चाहिए ना, ये जो चीजें सेल करते हैं इनको भी चाहिए ना रेट कम करें। नाज़रीन यहाँ पे एक बात जो ना बड़ी मुश्तरक है, हर कोई यही कह रहा है कि पेट्रोल की कीमत तो कम होगी, माना इसको हम हुकूमत का क्रेडिट है, लेकिन माफिया जो हैं वो बेलगाम है, उनको लगाम डालेंगे तो चीजें कुछ चीजों की कीमतें में कमी होगी। सर के महंगाई कम होगी कि नहीं होगी? देखिए ये तो अब उन पर डिपेंड करता है, अब क्या करेंगे ये हम। किन पे डिपेंड करता है? जो हुकूमत बैठी हुई है उन पे डिपेंड करता है ये सब कुछ। देखिए आवाम का मुतालबा था कि पेट्रोल और बिजली की कीमत कम करे, चीज़ों की कीमतों में कमी आ जाएगी। अब उन्होंने एक लीटर जो है वो पर उसके ऊपर 15 रुपये जो है कम कर दिए हैं, तो फिर जाहिर है आप दूसरी चीज़ों की भी आपके मुताबिक ही कीमतों में कमी आनी चाहिए। जी बिल्कुल कमी तो आनी चाहिए, ये तो बनता है। अगर 15 रुपये पेट्रोल कम हो गया तो देखें हर चीज़ जो है बिजली पेट्रोल पे ही है। हाँ जी, तो देखा जाए तो हर चीज़ पे कमी तो बनती है, 10-15 रुपये 20 रुपये जितना भी हो सके। जैसे गंदम की कीमत में भी जो है वो कमी आई है, हुकूमत नहीं ले रही, लेकिन किसान बड़े परेशान है इस चीज़ से कि वो उनको देखा जाए तो पहले बिजली और हर चीज़ जो महंगी मिली हुई थी, अभी जो है वो इन्होंने कमी कर दी है, वो किसान परेशान है। अब देखा जाए तो हर चीज़ में कमी आनी चाहिए। हमारी तो मंडी में 50 रुपये किलो ज़्यादा हुआ है पिछले हफ्ते। अच्छा, हाँ जी, तो आपको फिर इसका मतलब है कि नुकसान हुआ है? हाँ, 50 रुपये किलो ज़्यादा हुए हैं। यानी कि हुकूमत की जो पॉलिसी है वो जो है वो उनसे हम मुतमिन नहीं है? नहीं, वो 50 रुपये किलो में इजाफा हुआ है। अब देखिए कस्टमर आएगा, पिछले रेट देखें तो इस रेट में जब 50 रुपये किलो में इजाफा होना है तो उन्होंने तो परेशान हो जाना है। शार्ली आप कहना चाहते हैं कि हुकूमत जो है ना वो सिर्फ सियासत कर रही है इन चीज़ों के ऊपर, तो जो रिलीफ देना होना उसके लिए बाकायदा पॉलिसी होती है, ताजरों को साथ मिलाया जाता है, मुख्तलिफ जो लोग हैं उनको साथ मिलाकर मशवरा करके चीज़ों को पॉलिसी तैयार की जाए, तो फिर जो है ना चीज़ें कंट्रोल हों। फिर कंट्रोल होनी है, वैसे तो कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही है कमी आएगी या नहीं आएगी, ये उम्मीद तो है। जैसा कि अभी मैं सब्जी के स्टॉल पे खड़ा हूँ तो इनसे पूछते हैं कि सब्जी की कीमतों में कमी आई कि नहीं। भाई सब्जी की कीमतों में कमी आई है या नहीं आई? काफी आ रही है, पहले से भी तो कम हो गया। जून से दूर से आती है ना सब्जी, वो थोड़ी सी कम हो जाएगी रेट, उनकी लागत बहुत ज्यादा आती है ना पेट्रोल की, सही इस वजह से कम हो जाएंगी वो। बड़े भाई इन्ना फायदा ही कौन नहीं होना है, हर बंदा मोटरसाइकिल चला ही नहीं सकता, और मेरे को साइकिल लैन जो की गुंजाइश नहीं, मैंने तो इस टाइम जरूरत है कि यार कोई आटा सस्ता हो, दालां सस्तियां हो, दूजिया लवाजमा जरा जरूरत है जिंदगी वो सस्तियां हो। और भाई बालों की फीस है कि मोटरसाइकिल पेट्रोल पाई आई तो पैदल फिरने वाले जवान इंपोर्टेड हुकूमत का भाई सू किसी किस्म का बेनीफिट नहीं है। आप हुकूमत की पॉलिसियों से मुतमिन नहीं है? वे बनका का मुतमिन है, वे इंज रेट बताते हैं, इंज हूं तो छन नहीं लाने वाला हिसाब हो जाता, हूँ 50 बदे ने तो बस 5 घटाते ने, सू कोई फायदा ही नहीं हो, मजा तो तब देना कि यार सू भी कोई रिलीफ मिले, यार आटा दोबारा पुराने रेटा से आ जाए, पुराने रेट तेल चलता सी चले कोई सहूलत आ रहा पाकिस्तान, पुराने हुण याद नहीं है, पुराने 80 रुपये 100 रुपया पेट्रोल, ये तो बहुत पुरानी बात है। चलो 150 रख लेन, यानी आप हुकूमत की नहीं, कोई फायदा ही नहीं है। नहीं जी, तो अभी मैं नाज़रीन जा रहा हूँ उस दुकान के ऊपर जहाँ पर हर किस्म की अशे और दोनों जो है वो थोक के हिसाब से बिकती हैं। बेसिकली अभी तो एक दो दिन तक तो नहीं आएगी कह सकते कुछ भी, क्योंकि असल पेट्रोल का जो मसला है ना ये बोल्डिंग के साथ है, जो सामान आता है दूर दराज से वो आता है बोल्डिंग के हिसाब से, अगर ट्रांसपोर्टर किराया कम करेंगे उसकी बोर्डिंग जो कम होगी तो उसके हिसाब से फिर चीज़ें डेफिनेटली कम हो जाएंगी। मेरे ख्याल से तो काम तो काफ़ी होने वाले हैं ना, तो काम बहुत ज़्यादा होने वाले हैं, आम आदमी के लिए बहुत ज़्यादा काम होने वाले हैं। हुकूमत महंगाई पे काबू कर लेगी वक्त के साथ साथ कि नहीं कर सकती? कोई भी हुकूमत अगर मेहनत से काम करे, ज्यादातारी से काम करे तो काबू कर सकती है, कि अगर उनको डेफिनेटली इतने बड़े आदमी बैठे हुए हैं, पढ़े लिखे आदमी बैठे हैं, उनको पता होना चाहिए कैसे कंट्रोल करना है। जी सर, ये हुकूमत हमारी जो है ये सब कुछ कर सकती है, लेकिन ये पेट्रोल 15 रुपये कम करती है, इन्होंने दूसरी चीज़ों पे कोई इन्होंने कंट्रोल नहीं किया। अगर ये दूसरी चीज़ों पे कंट्रोल करे या पेट्रोल पे भी कंट्रोल करे, आवाम खुश हो जाती है।
ये आवाम का मुतालबा यही होता है कि चार पांच चीज़ें हैं उनके पास, खाने पीने की चीज़ें हैं, पेट्रोल है, और बाकी ये हुकूमत हमारी के पास हर चीज़ है, ये क्या कुछ नहीं कर सकती। और ये देखिए आज़ाद कश्मीर में इन्होंने जो है क्या नाम है रेट कम किए हैं, और पंजाब में इन्होंने रेट बढ़ा दिए हैं। क्या वो हमारे मुसलमान भाई नहीं है या वो उधर की गवर्नमेंट और दूसरी है कोई? नहीं वो तो निकले हैं सड़कों पे, आप लोग सड़कों पे नहीं निकलते, ये तो रोला कि पंजाब सड़कों पे नहीं निकलता। हाँ जी, पंजाब वाले बस घरों में बैठ के बातें कर देते हैं। हम भी इंशाल्लाह ताला भी अपने भाइयों दोस्तों को बोलेंगे तो हम भी ये बाहर निकलें तो हमारे भी इस तरह कंट्रोल वगैरह हो कुछ चीज़ों में और ये जो है बिजली में, और आगे इंशाल्लाह ताला अल्लाह जानता है इन्होंने क्या करना है। आप हुकूमत को कह रहे हैं कि हम सड़कों पे निकलेंगे अगर रेट ना मिला? इंशाल्लाह ताला हम निकलेंगे, जरूर निकलेंगे। इनका कहना है कि अगर हमें मुकम्मल तौर पर रेट ना प्रदान किया गया तो हम भी आजाद कश्मीर की आवाम की तरह सड़कों पर निकलेंगे और दमादम मस्त कलंदर करेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह हमने नवाज शरीफ को इसलिए वोट दिया था कि वो हमारे लिए और हमारी आवाम के लिए कुछ ना कुछ अच्छा करेंगे। हमें अभी तक कुछ भी नहीं नजर आ रहा, क्या वो कुछ यानी मोहल्लों में लोग वैसे ही बातें कर रहे हैं, कोई महंगाई नहीं कम हुई, पेट्रोल कम नहीं हुआ, बस ये 10-15 रुपए कम करते हैं, एकदम ही 50 रुपए 100 रुपया बढ़ा देते हैं। नाज़रीन जैसा कि मैंने आपको शहरियों की राय से आगाह किया है तो हर एक ने अपनी अपनी राय का खुलकर इजहार किया है, कुछ हुकूमत की पॉलिसियों से मुतमईन है, कुछ का कहना है कि हुकूमत जो है पेट्रोल की कीमत कम करके इसके ऊपर अपनी सियासत चमका रही है, लेकिन एक चीज यहाँ पर सब ने मुश्तरका तौर पर जो है ना वो कही है कि सिर्फ पेट्रोल की कीमत कम करने से जो ना महंगाई में कमी नहीं आएगी, पाकिस्तान में हर तकरीबन जो शोभा है उसके अंदर माफिया बैठे हुए हैं, तो जब तक उन माफिया को लगाम नहीं डाली जाएगी कीमतों में कमी का जो है ना वो एक ख्वाब जो है वो ख्वाब ही रहेगा, कभी भी हकीकत में नहीं तब्दील हो सकता। तो 24 करोड़ अवाम के ख्वाब को हकीकत में बदलने के लिए हुक्मरानों को पेट्रोल की कीमत की कमी करने के साथ साथ जो माफियाज हैं उनको भी लगाम डालने के लिए मुतहरक होना होगा। इसके साथ ही अपने मेज़बान आसिफ चीमा को इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह पाक आप सबका हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।